हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपनी माता रानी की चौकी स्थापना कैसे की मैंने कलश स्थापना ये शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैंने कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं कि इस विधि से कराए या उस विधि से। बचपन से जैसे मेरी मम्मी अपनी चौकी की स्थापना कलश स्थापना करती आई हैं, मैंने भी बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने उन्हीं से सीखा है। जो भी पूजा पाठ मैं करती हूँ थोड़ा बहुत, वो मेरी मम्मी ने ही मुझे सिखाया है, तो बस मैं उन्हीं के रूल फॉलो करती हूँ। जैसे मेरी मम्मी करती आई हैं वैसे ही मैं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी पूजा की सामग्री। एक प्लेट में मैंने फूल माला रख ली है, एक थाली में हमने जो चौकी पर चीज़ें रखनी हैं वो सब रखी हैं, और इसमें चौकी का कपड़ा, माता की चुनरी, नारियल, नारियल की चुनरी, और ये पात्र जिसमें हम अपने जौ बोएंगे, हवन कुंड, और यहाँ पर हमने तीन तरह के चावल रंग लिए। सबसे पहले हम अपनी चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र करेंगे। वैसे मैंने इसे अच्छे से धो लिया था, साफ कर कर सुखा लिया था, लेकिन माता रानी को बिठाने से पहले हम इस पर गंगा जल के छींटे मार देंगे, और इसके बाद जो हमने चौकी का कपड़ा खरीदा था उसे बिछा देंगे। फ्रेंड्स, लाल या पीला आप किसी भी रंग का चौकी का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। और हम इसे थोड़ा कलावे से बांध देंगे, जिससे कि ये बाद में खिसकेगा नहीं इधर से उधर। फ्रेंड्स, लाल रंग का चौकी का कपड़ा कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर हमने सबसे पहले माता रानी की नौ देवियों की तस्वीर रख दी है चौकी पे। इसके बाद अब हम एक थाल में हमने माता रानी को रख लिया, और ये जल है इसमें हमने गंगा जल मिला लिया था। अपनी माता रानी को पहले हम जल और गंगा जल से स्नान कराएंगे, इसके बाद अब हम इन्हें दूध से नहलाएंगे। ये गाय का शुद्ध दूध लिया है हमने, और अब हम गंगा जल से नहलाएंगे। फ्रेंड्स, देखिए कितनी प्यारी लग रही है माता रानी, और हम इन्हें अच्छे से नहलाकर तब हम इन्हें अपनी चौकी पर विराजेंगे। और फ्रेंड्स, जो दूध था इसमें मैंने दही, शहद और सब गंगा जल सब मिक्स कर रखा है, पंचामृत बना लिया था, और अब हमने अपनी माता रानी रख दी है चौकी पर, ये देखिए। इसके बाद जो हमने चुन्नी खरीदी हुई थी उस चुन्नी को उड़ा देंगे माता रानी को। इसके बाद माता रानी की ये माला पहना देंगे। और अच्छे से हम इन्हें सेट कर लेंगे पहले। और फ्रेंड्स, ये हैं चावल जो हम अष्टांग चक्र बनाएंगे। सबसे पहले हम सफ़ेद चावलों से आठों लाइनें बना लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी पूजा में कमी लगे तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे जैसी आती है मैंने वैसे ही की है, मैंने कुछ भी नया नहीं किया है, मैं हमेशा से ऐसे ही करती आई हूँ जो मैंने सीखा है। और हम इसी तरह फिंगरों से इन्हें सेट कर लेंगे लाइंस को। फ्रेंड्स, ये हमारा चौकी का कपड़ा बैलेट में है, तो ये थोड़ा इसमें रिंकल्स पड़ रहे थे, तो इसलिए थोड़ी शेप हमारे स्टांग चक्र की ख़राब हो रही है, लेकिन हम इसे फिंगर से सेट कर लेंगे अच्छे से। आप चाहें तो स्केल ले सकते हो, स्पून ले सकते हो, लेकिन मैंने इसे अपने हाथों से ही फिंगर से करा है। तो फ्रेंड्स, देखिए अब हमारी आठ लाइनें कट चुकी हैं। इसके बाद हम इन्हें ऊपर से बंद कर देंगे, इस तरह के फ्लावर की शेप दे देंगे। अष्टांग पुष्प, अष्टांग चक्र, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही शुभ होता है अगर हम पूजा में बनाते हैं। ये दिवाली पर, नवरात्रि में, जब हमारे
फेस्टिवल्स या बड़ी पूजा होती है तो हमें उसमें बनाना चाहिए। यह बहुत ही शुभ रहता है और अच्छा रहता है। और फ्रेंड्स इसी तरह हम इन्हें देखिए, अब हमारे इसकी शेप आ रही है अष्टांग पुष्प की। फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे बहुत जल्दी और आसानी से बन जाता है। अब हम इसमें अंदर जो हमने रेड कलर में अपने चावल किए हुए थे उन्हें भर देंगे अंदर जो खाली जगह है। ये व्हाइट कलर के जो चावल हैं इससे हमने आउटलाइन करी है जिससे कि ये हाईलाइट होगा और अच्छा लगेगा देखने में। आप चाहें तो सफ़ेद चावलों से भी बना सकते हैं या आप एक पीक सिर्फ पीले चावलों से और लाल चावलों से भी इसी तरह बना सकते हैं। और फ्रेंड्स ये मैंने इन्हें चावलों को घर पर ही कलर किया है। येलो चावल करने के लिए मैंने हल्दी का यूज़ करा है, रेड के लिए मैंने कुमकुम ली है और ऑरेंज के लिए जो फ्लेवर्ड कलर होते हैं उसका यूज़ करा है। देखिए अब हमारा अष्टांग चक्र बनकर कितना अच्छा लग रहा है, एकदम सुंदर लग रहा है ना। फ्रेंड्स आप भी इसी आसान तरीके से बना सकते हैं। और कहते हैं पूजा पाठ मन से होना होता है, किसी भी विधि विधान से नहीं। जब तक आप मन से नहीं करोगे तो पूजा नहीं लगती है। आप चाहे जैसी भी पूजा करिए माता रानी खुश हो जाती हैं। और फ्रेंड्स अब हमारा ये बनकर देखिए एकदम रेडी हो चुका है। अब हम जहां पर कलश रखेंगे तो कलश के नीचे हमें चावल जरूर रखने चाहिए। इसके आसपास भी हम ये कलर चावल लगा देंगे और इस तरह से बना देंगे और हम अपना कलश रखेंगे। फ्रेंड्स हम कलश में अब आम के पत्ते रखेंगे। आप आम के पत्ते 5 या 7 ही रखें, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 7 पत्ते आम के अच्छे से हमने इन्हें धोकर गंगा जल छिड़क दिया था इनके ऊपर। और अब हमने चुन्नी में लपटा हुआ अपना नारियल रख दिया है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना भूल गई और मैंने मुझसे क्लिप डिलीट हो गई है, उसमें था मैंने क्या क्या डाला है। तो इसमें मैंने 2 हल्दी की गांठ और सिक्के डाले हैं, 1 सिक्का डाला है और 2 लौंग के जोड़े डाले हैं। और फ्रेंड्स अब हम इन्हें माला अर्पित कर देंगे, अपने कलश को भी माता रानी को पहनाएंगे, माता रानी को पुष्प भी अर्पित करेंगे हम। और हमने यहाँ पर चौकी पर श्रृंगार का बॉक्स भी रख दिया है जो हम माता रानी को भेंट करेंगे। ये हमारी चौकी पर 9 दिन तक रहेगा। इसके बाद आप इसे मंदिर में दे दीजिए किसी को या फिर किसी सुहागिन को दान में दे दीजिए। इसी तरह हम अपनी पूरी चौकी को फूलों से सजा देंगे। देखिए हमारी चौकी एकदम फूलों से सज चुकी है। और यहाँ पर हमने जो अष्टांग पुष्प बनाया है इसके ऊपर एक छोटी सी माला रख के हम अपने कलर उसको रख देंगे, अखंड ज्योति को। फ्रेंड्स इन्हें ऐसे हमने पहले रेडी कर लिया है, अच्छे से हमने इसमें घी भर दिया है और अपनी बत्ती भी लगा दी है पूजा की जो हमने कलाई वाली परचेज करी थी। और अब हम माता रानी के आगे फल रख देंगे। फ्रेंड्स फल आप श्रद्धा अनुसार 5 फल रखिए, 2 रखिए, 1 रखिए, यह आपके ऊपर है। मेरे पास अभी 2 ही फल अवेलेबल थे तो मैंने
माता रानी के आगे दो फल रख दिए हैं और ये ड्राई फ्रूट्स का पैकेट जिसमें पांचों तरह की मेवा है और ये पान का पत्ता मैं अर्पित कर दूंगी। इसमें दो लौंगे रख दिए हैं हमने और दो लौंग के जोड़े रख देंगे। और अब हम अपने इस पात्र में जौ बोएंगे। तो सबसे पहले हम एक जौ की लेयर लगाएंगे इसके ऊपर मिट्टी की। मिट्टी को हमने रात में भिगो दिया था अच्छी तरह पानी में और इस पर अच्छे से गंगा जल भी डाल दिया था। तो अब हम इसके ऊपर से पानी नहीं डालेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले जौ की, फिर उसके बाद मिट्टी, फिर जौ की और फिर मिट्टी। इस तरह से हम तीन या चार लेयर बनाएंगे दोनों की, चार जौ की और चार मिट्टी की। इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे क्योंकि हम जब इसमें जल देंगे तो अगर जगह नहीं बचेगी तो हम जल कहाँ चढ़ाएंगे जो नौ दिन तक चढ़ाएंगे। तो इसलिए हमें पूरा भर के इसको नहीं अपने जौ को बनाना है, हमें इसी तरह थोड़े थोड़े करके बस इतना ही ऊंचाई रखनी है जिससे कि ये अच्छे से बढ़ सके, इन्हें हवा लग सके और इसमें पानी रुका रहे। और फ्रेंड्स ये देखिए हमने अपना दीपक भी प्रज्वलित कर दिया है, दीपक जला दिया है अखंड दीपक। और हमने दूसरी थाली तैयार कर ली है ये आरती के लिए। और हम माता रानी को अपने कलश पर स्वास्तिक बना देंगे, सभी को तिलक लगा देंगे, अपनी पूजा अर्चना कर लेंगे हम अच्छी तरह। और हमारे जो अखंड ज्योति है उस पर भी हम स्वास्तिक बनाएंगे, इस पर पहले से बने हुए हैं लेकिन हम अपने कुमकुम से ज़रूर बनाएंगे और माता रानी को, और जो हम जिस पात्र में हमने अपने जौ बोए हैं उस पर भी लगाएंगे। और फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखें, आप अखंड ज्योति में अन्न के दाने जरूर डालें, इससे रिद्धि और सिद्धि आती है। और देखिए मेरी सिंपल सी चौकी एकदम रेडी होकर हो गई है। और फ्रेंड्स ये हमने अपने अग्यारी कर ली थी जो कि हवन करते हैं, हमने अपना हवन कर लिया है। और ये हमारी आरती हो गई है और ये हमारी देखी चौकी। फ्रेंड्स मुझे जैसी भी पूजा करनी आती थी, मुझे जैसी ही कलश स्थापना और चौकी लगाना आता है, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और फ्रेंड्स ये है मेरे जो ठाकुर जी है ना, मंदिर रख रखा है पर। और फ्रेंड्स इस तरह से मेरी चौकी लगा रखी है मैंने, क्योंकि मंदिर में ऊपर मेरे इतने स्पेस नहीं था कि मैं वहाँ पर ये सब लगा सकूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ नीचे अपनी चौकी विराजमान करी है माता रानी की। और फ्रेंड्स आपको मेरी चौकी की वीडियो कैसी लगी कलश स्थापना की, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और फ्रेंड्स जय माता दी। और फ्रेंड्स इसी तरह मैं हमेशा अपनी माता रानी की नवरात्रि की पूजन करती हूँ, इसी तरह से चौकी लगाती हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी चौकी में कोई कमी लगे या कोई भी सजेशन हो कि मैंने ये गलती करी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने हवन कर लिया था। फ्रेंड्स देखिए हमारा दिया भी अखंड दीपक कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ साइड में मैंने चौकी के साइड में ही पूजा का जो मुझे रोज पूजा में जरूरत पड़ेगी वो सारा सामान अरेंज करके रख दिया है। माता रानी की पुस्तक जैसे पाठ वगैरह करना है हमें, और ये घी रख दिया है इसमें, तो सारा सामान मैंने साइड में चौकी के ही रख दिया है जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा, सब कुछ इधर ही साइड में है।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।